नमस्कार चाची की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ पनीर मेथी मलाई और सर्दियों में मम्मियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि बच्चों को हरी सब्जी कैसे खिलाई जाए तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे खिलाई जाए बच्चों को हरी सब्जी एक कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और ये हमने क्यूब्स में पनीर काट लिए हैं इनको आप थोड़ा सा सेलो फ्राई करना है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है सिर्फ दो मिनट में ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे सिर्फ इसलिए कि ये पनीर टूटे नहीं थोड़े सा अलट पलट करेंगे और निकाल लेंगे अगर आप बिना तला हुआ पनीर खाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं उसी में तेल में एक चम्मच जीरा और अदरक लहसुन और हरी मिर्च दो हरी मिर्च लिए है और आठ दस कलियान लहसुन की और एक इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब डाल देंगे इसमें दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए इन्हें भी आप अच्छे से भून लीजिए गोल्डन ब्राउन हो जाए बस तब तक भूनना है अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और वन फोर्थ धनिया पाउडर आप सभी मसालों को भून लीजिए गैस की फ्लेम को कम रखिए मसाला हमारा भून चुका है ये देखिए अब इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने चार बड़े प्याज टमाटर लिए हैं उनको क्रश करके काम में ले रहे हैं मसाला अच्छे से भून लेना है ऑयल सेपरेट होने लगा है और अब डाल देंगे इसमें एक चम्मच भर कर नमक नमक को भी अच्छे से मिला देंगे अब ग्रेवी बिल्कुल रेडी है अब डालेंगे हरी मेथी बहुत ताज़ा ताज़ा हरी मेथी इनको हमने दो तीन पानी से धोकर काटकर इस तरीके से डाल दीजिए इसमें मेथी थोड़ी खारी होती है यानी कि कड़वी होती है तो हम उसका दबाने के लिए थोड़ा सा पालक भी डाल रहे हैं ढाई सौ ग्राम मेथी है और सौ ग्राम पालक अच्छे से इसको ढक देंगे दो मिनट में ही छट से ये सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल बैठ जाएगी ये देखिए मेथी बिल्कुल पिघल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है लेकिन अभी तक पकी नहीं है इसलिए हम इसको दो मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। हरी मेथी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये डाल रहे हैं क्रीम जो घर की जो मलाई होती है उसको फेंट कर आप काम मिल लीजिए अच्छे से मिला देंगे और इससे अच्छा कलर आएगा और बच्चों को भी हेल्दी रहेगी बच्चों को इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा ग्रेवी जैसी सब्ज़ी बन जाएगी बच्चों को ऐसी ही सब्जियां पसंद आती है और डाल देंगे पनीर बन गई ना बहुत जल्दी सब्ज़ी बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है बस कुछ छोटे से मसाले थोड़े थोड़े से मसाले और डालने हैं अच्छे से मिला देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा काला नमक और ये हमारी सब्ज़ी तैयार है अच्छे से मिलाएंगे, सारे मसाले अच्छे से अच्छे से मिलाने के बाद बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार सब्ज़ी बनकर तैयार है रेडी है अपने बच्चों को अपने बड़ों को खिलाइए और उनकी स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखिए सर्दियों का मौसम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता है तो उनका ध्यान रखिए उनको हरी सब्ज़ियाँ खिलाइए जितनी खिला सकें उतनी खिलाइए ये हमारी सब्जी तैयार है थोड़ा सा धनिया डालेंगे और झटपट सर्व करने के लिए हमारी रेसिपी तैयार है अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो एक लाइक तो बनता है नमस्कार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ